आरा में नियोजित शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला, बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही बिहार सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। नियोजित शिक्षक संघ का कहना है कि पूरे बिहार के 3.5 लाख शिक्षक नीतीश कुमार और के पाठक के तुगलकी फरमान के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस मशाल जुलूस में हजारों शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मशाल जुलूस आरएसएस के जीपी स्मारक से निकालकर रमना मैदान की गुलाई होते हुए पुनः जीपी स्मारक पहुंचा, साथ ही विरोध बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मशाल जुलूस में शामिल नियोजित शिक्षक संघ के सदस्यों का कहना था कि बिहार सरकार की शिक्षा नीति और सक्षमता परीक्षा लेकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने और हटाने का फरमान जारी किया गया है। इसके विरुद्ध बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को हमारी बातों को मानना होगा। नीतीश कुमार के विरोध में हम लोग ऐलान कर चुके हैं कि 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे, साथ ही पूरे बिहार के 3.5 लाख शिक्षक नीतीश कुमार के तुगलकी फरमान और के पाठक के तुगलकी फरमान के विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। आज मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दी है। मशाल जुलूस में शामिल नियोजित शिक्षकों का कहना था कि ये मशाल जुलूस सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में निकाले गए हैं। शिक्षक जो आज प्रताड़ना झेल रहे हैं उसकी जिम्मेवार नीतीश कुमार और के पाठक हैं। हम पूछते हैं कि जो शिक्षक का रिटायरमेंट 4 साल और 5 साल बचा हुआ है वो ट्रांसफ़र होकर अन्य जिले चले जाएँ और उनका सर्विस बुक फिर से बहाल हो, ये कहाँ का न्याय है? ये तुगलकी फरमान हम लोगों पर नहीं चलेगा। शिक्षकों का एक ही मांग है कि बिना किसी शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा देना होगा। आज बिहार सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा के नाम पर शिक्षकों के भविष्य को अंधकार में बनाया जा रहा है। शिक्षा सक्षमता परीक्षा में जो शर्तें लाई गई हैं, उस शर्त को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। इसलिए कि जो जिला बदर करने की जो नीति अपनाई गई है, अगर शिक्षकों को 3 बार चांस देने के बाद अगर शिक्षक डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उनको भी सेवा से मुक्त किया जाएगा। अगर जो परीक्षा में शामिल होकर के फेल हो जाते हैं या जो परीक्षा नहीं देते हैं उनको भी सेवा से मुक्त करने की जो नीति बनाई गई है वह शिक्षक विरोधी नीति है। उसमें नीति का कड़ा शब्दों में आलोचना करता हूँ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो यह धारावाहिक आंदोलन का दूसरा चरण है और 13 तारीख को विधानसभा को हम लोग घेर लेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हर कुमार राम सचिव मंडल सदस्य बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा। देखिए आज हम लोग सभी लोग मुख्यालय में एकत्रित होकर अपना मशाल जुलूस के द्वारा सरकार को यह बताना चाहते हैं कि ये जो नियमावली आई हुई है, विशिष्ट नियमावली, इसके विरोध में सारे शिक्षक हैं। हम लोग 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से सेवा दे रहे हैं, चाहे वो निर्वाचन हो, आपदा हो, कोविड हो, शिक्षा हो या कोई भी कार्य हो, सरकार के सभी कार्यों में हमारा सहयोग रहा है। उनके निर्देश के अनुसार हम लोगों ने कार्य किया है, लेकिन ये बड़ा खेद का काम बात है कि जिसको जिसके जन्म जाता है खुद सरकार रही है उसी को मारने पर सरकार पड़ गई है। अब यह बताइए कि हमारा स्थानांतरण आप किसी अन्य जिला में कर दीजिएगा तो उसे गुणवत्ता का क्या लेना देना है? कितनी हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं, कितने भाई विकलांग पड़े हुए हैं, कितनी उम्र निकल गई, किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल नौकरी है। अब हम बेघर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कितने लोग कंप्यूटर पे परीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम यह सरकार को चुनौती देते हैं कि या तो यह नियमावली वापस ले, नहीं तो हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार का विरोध करेंगे। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यह अपील करना चाहेंगे कि कृपया 13 तारीख को गर्दनी बाग में सभी शिक्षक एकत्रित होकर और अपनी मजबूत चट्टानी एकता को दर्शाएं और यह दिखाएं सरकार को कि हम सभी शिक्षक एक हैं और एक साथ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज कुमार, अभी शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, कौशल किशोर जी के गुट के
ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनके अभी बाइक ले लिया। जिला सरकार बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति तो हमारा 13 तारीख को है जो विधानमंडल का घेराव है, उसमें अपूर्व रूप से ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की संख्या इकट्ठा होगी पटना में और सरकार की नींद उड़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार पांडे, उपाध्यक्ष।